दिवाली मनाने के एक दिन बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को विवादित स्थल पर जाकर रामलला के दर्शन किए। इसके साथ ही सीएम योगी ने राम जन्मभूमि न्यास के चेयरमैन नियुक्त गोपाल दास से मुलाकात की, जहां दास ने दावा किया कि राम मंदिर बनाने का समय बहुत निकट है और अगली दिवाली मंदिर में भगवान राम के साथ मनाई जाएगी। खबर के अनुसार नियुक्त गोपाल दास का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या के अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लिहाजा इस मुद्दे पर अब सियासत गर्म होने की संभावना बनी हुई है। अयोध्या में रात के रुकने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने दिन भर के दौरे की शुरुआत की, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। यहां मंदिर के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा कि अयोध्या में देश भर में दिवाली की शुरुआत हुई और यह पर्व पूरी दुनिया भर में एक अद्वितीय मौका बन सकता है। मई में बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद यह योगी के मंदिर में उनकी दूसरी यात्रा थी। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया था कि आदित्यनाथ अपने परिवार के साथ त्योहारों को घर पर नहीं मनाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरा यूपी और समाज उनका परिवार था।